अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारी जो वीडियो में मेन टॉपिक है वो है यूपीएस की सेमलिंग कैसे करनी है। तो जो लोकल यूपीएस होते हैं इनके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं उनके बारे में भी बताएंगे और इसके कनेक्शन वगैरह भी बताएंगे आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएस में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं और इन कंपोनेंट्स की पहचान क्या है असली और नकली की। तो सबसे पहले जो यूपीएस में मेन आइटम होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जो है अगर तो कॉपर और सिल्वर दो तरह के होते हैं, कॉपर में होता है एक सिल्वर में होता है। जो कॉपर वाला होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा टाइम चलता है, और जो होता है सिल्वर वाला उसकी टाइमिंग कम होती है, उसका लाइफ कम होती है। तो इस वजह से जो भी बंदा यूपीएस बनाना चाह रहा है तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो कॉपर वाला स्टेबलाइज़र ट्रांसफार्मर ले लें। कॉपर वाले ट्रांसफार्मर की पहचान ये होती है कि जब हम इसके अंदर से इसको छीलेंगे, इनेमल डिस्क उतार के, तो ये अंदर से गोल्ड की तरह निकलता है। और जो सिल्वर वाला होता है उसको हम इसी तरह उसकी इनेमल्ड उतारेंगे तो वो अंदर से वाइट कलर का होता है। उसके बाद जो यूपीएस का सेकंड पार्ट्स है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल एक स्विचिंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। मॉड्यूल ही सारा जो है यूपीएस को जो डीसी होते हैं एसी में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूल के अंदर भी तीन तरह की क्वालिटी आती हैं, एक होते हैं इमरान ब्रादर्स वाले और एक होते हैं इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इमरान ट्रेडर्स वाले। और जो इमरान ब्रादर्स वाले होते हैं उनके अंदर ओरिजिनल कंपोनेंट्स लगे होते हैं कंपनी के, और जो इमरान ट्रेडर्स वाले होते हैं वो पुल आउट यूज वाले कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएँ सर्किट में। सर्किट में भी दो तरह के सर्किट होते हैं, इसमें एक F72 होता है और एक IB4 होता है। IB4 सर्किट ऐसा सर्किट है वो ट्रिकलिंग चार्जिंग सिस्टम होती है, उसके अंदर ट्रिकलिंग होती है, स्टेप वन से लेकर आखिर तक होती रहती है। और उसमें एक और लीनियर कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि गाँव देहात वगैरह में बिजली अगर 120-130 भी हो चार्जिंग कर सकता है। और जो F72 होता है वो 180-190 से चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसके अंदर ट्रिकलिंग नहीं होती, ये मैनुअल सिस्टम होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।